गाइस आज मैं बनाने वाली हूँ करेले, तो यहाँ पर मैं इसको पील ऑफ करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर पील ऑफ कर दी है, सो फाइनली मैंने यहाँ पर स्लाइसेस में कट ऑफ कर दी हूँ। गाइस यहाँ पर मैंने एक बाउल में पानी ले लिया थोड़ा सा, और साथ ही में मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालूंगी ताकि इसका जो कड़वाहटपन है वो इसमें बिल्कुल भी ना रहे। इसके हल्का सा इसमें डाल देंगे नमक, थोड़ा बहुत इसको गर्म कर देंगे। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी करेलों को इस बॉयल वाले पानी में और नमक वाले पानी में इसको अच्छे से मिक्सअप कर देंगे ताकि इसका जो कड़वाहटपन है वो बिल्कुल भी ना आ पाए। इसमें बबल्स आने लग गए हैं, तो बस इसमें इतना ही इसको हीटअप करना है, थोड़ा सा स्ट्रेन होकर देना है। जब तक आप सब्जी में छौंकाते थे तब तक इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, ढक्कन लगा देंगे इसमें, और इसका जितना भी कड़वाहटपन है वो इसको पूरा सोख लेगा। तो मैं तो कुछ इस तरह से ही बनाती हूँ, तो तब तक मैं इसको ढक्कन लगा देती हूँ और उसके बाद ही खाना शुरू करूँगा। यहाँ पर मैंने अनियन कट करके रख दिया है, टमाटर इसको ग्राइंड करके रख दिए हैं अच्छे से कद्दूकस से, और यहाँ पर मैंने मसाला पीस के रख दिया है सिर्फ कट्टे में। तो ये देखिए यहाँ पर अभी ये अच्छे से मिक्सअप हो चुके हैं, इसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, देख सकते हैं। तो मैं बनाती हूँ तब तक इसका और कलर चेंज हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पर तेल रख दिया है, अगर मैं फ्राई करूँगी करेलों को, आज मेरा स्वास्थ्य सही नहीं हो रहा है इसलिए मैं आज आपको गैस में बना के दिखा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम जब कभी होगा तो मैं आपको चूल्हे में बना के दिखाऊंगी कोई भी सब्जी हो। इसका जो पानी मैंने अच्छे से इसको निचोड़ दिया क्योंकि मैं उसको फ्राई करने मैं अच्छे से मिक्सअप कर दूँगी फ्राई करने के लिए। तो इतने फ्राई हो चुके हैं और इसमें ज़्यादा फ्राई नहीं कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं ज़्यादा करूँगी तो ये जब सिकुड़ जाएंगे, इसलिए मैं इतना ही रख रही हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्राई वाले करेले मैंने इसमें डाल दिए हैं इस बाउल में। मैं लगाने वाली हूँ जीरा का तड़का, आप देख सकते हो यहाँ पर हाफ कुक हो चुके हैं ये। पाउडर वाले मसाले हम कच्चे चमचे कर दूंगी, मैं डाल रही हूँ ये पिसा हुआ मसाला, और इस मसाले को थोड़ा सा कुक करने के लिए रखूंगी मैं। मसाला हमारा हो चुका है, तब इसमें डालूंगी मैं करेले। सो मसाले के साथ अब हम इसको अच्छे से मिक्सअप कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने मिक्सअप कर दिए करेले और अब इसको दिखाती हूँ बनने के बाद। सो फाइनली मेरी सब्जी बन चुकी है करेले की, और आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी यमी यमी लग रही है, देखने से अच्छी है, अच्छी और यमी लग रही है। और ये स्पेशल डिमांड में बनाई थी मैंने अपनी भाभी और अपनी ताई की, सबसे मैं एक एक करके पूछूंगी ऐसी लगी मेरी सब्जी आज की। सब्जी परोसती गई है सभी को, जो चलिए सबसे पूछते हैं कि सब्जी कैसी बनी है। तो चलिए पहले ताई से पूछते हैं, इनकी डिमांड में बनाई गई थी सब्जी। ताई कैसी हो रही सब्जी? बहुत अच्छी लग रही है। नमक मिर्ची कम ज्यादा बना रहा? सही वाला बताना। मम्मी सब्जी कैसे बनी है? नमक मिर्ची सही हो रहा है? भैया सब्जी कैसे बनी है? नमक मिर्ची कम ज्यादा तो नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं बढ़िया हो रहा। भाभी से पूछते हैं कि कैसे बनी सब्जी। भाभी कैसे बनी सब्जी? सब कुछ सही हो रहा था? कम ज्यादा तो नहीं हो रहा? खाली वीडियो करे तो नहीं बोल रहा? तो काजल तुम्हें सब्जी कैसी लगी मेरे हाथ की? लेकिन आपने फाइनली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि सबको सब्जी बहुत पसंद आई, जैसे कि मेरे हालत हो रही है आप देख सकते हैं बहुत लगाव है। लेकिन फिर भी मैंने सबकी खुशी के लिए बना दी सब्जी, क्योंकि लास्ट टाइम पर जब मैंने सब्जी बनाई थी सब्जी टेस्टी टेस्टी लगी थी, तो जैसे ही पता करेले का नाम आया था उन्होंने बोला कि यही बनाई ही करती, तो मैंने चलो बना लेते हैं। तो मैंने जैसे जैसे के लिए बनाई, और ये है कि सबको पसंद आई और आपको सुन भी ले रही हूँ, इसलिए मैंने सब पूछा भी कि खाली वीडियो के लिए आपको रिव्यू नहीं देना है, जो ऑनेस्ट रिव्यू बोल रहे हैं सबको अच्छी लगी, सबसे बड़ी खुशी यही है। और नेक्स्ट वीडियो में सबके लिए